हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्यूटर जीके का पार्ट टू होने वाला है। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कल के डेट में, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। ये जो है आपके आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं, जो कि आपको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 500 प्लस क्वेश्चन करके चले आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 20 से 25 जो है क्वेश्चन करके आ सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने नया क्या किया है कि हम डेली के 5 शॉर्टकट की कराने वाले हैं। आज से डेली मतलब 5 शॉर्टकट्स की आपको देखने को मिलेंगे। वायरस के नाम जितने भी होते हैं, एंटीवायरस, ओएसआई लेयर्स और भी कोई इंपॉर्टेंट जो आपके वो होते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं या इंपॉर्टेंट जो आपके मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है ना, जैसे कि वायरस हुआ, एंटीवायरस हुआ, ओएसआई हो गया, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, इस तरीके से हम सारे इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं, फुल फॉर्म वगैरह, है ना। तो ये सब मतलब अलग से इसको कराएंगे, बाकी क्वेश्चन तो हम करवाने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको द एग्ज़ाम हेल्पर के नाम से मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर हम आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम चैनल जो है वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्टकट्स की। जैसा कि मैंने बोला था, तो 5 शॉर्टकट्स की हम डेली करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंट्रोल प्लस एस का क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एस जब दबाएंगे तो आप सेव कर देंगे। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब क्या होता है, कोई भी फाइल को ओपन करना, कंट्रोल प्लस ओ। F12, देखिए F12 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किस लिए होता है, तो F12 सेव एस, यानी कि जो देखिए कंट्रोल एस से सेव करेंगे, अगर उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा से आपको सेव करना है तो F12 दबाएंगे। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, और F7 बहुत ही पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है स्पेलिंग चेक, यानी कि कोई भी आप स्पेल चेक कर सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट में, कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ तो नहीं है, तो आप F7 दबाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी शॉर्टकट की हो गई है 5। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए वायरस, वायरसेस बोला था मैंने। ठीक है, वायरस क्या क्या मतलब वायरस क्या होता है, तो देखिए वायरस ऐसी चीज़ है जो कि आपके मतलब कई प्रकार का होता है। वायरस ट्रोजन हॉर्स है, मेलवेयर है ना, और बाकी आपका वॉर्म करके होता है, तो ये इस वायरस के प्रकार होता है। वायरस क्या होता है, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ठीक है ना, वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि वायरस क्या है, तो वायरस एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो देखिए निम्न बहुत सारे वायरस होते हैं, मैं आपको अभी 6 वायरस करा रहा हूँ, इसके बाद और भी मुझे मिलते जाएंगे तो मैं इसको ऐड करते जाऊँगा। ठीक है, हम डेली करने वाले हैं, इससे आपको रट जाएंगे जी। ठीक है, तो देखिए पहला है सीब्रेन। सीब्रेन यह सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले देखा गया था, पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी होता है उसके लिए होता है सीब्रेन। इसके बाद हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस था। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लेना कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा दिखा था, तो हैप्पी बर्थडे जोशी हो जाएगा। इसके बाद है मंकी वायरस, वैन हाप करके, माइकल एंजेलो बहुत पूछा जाता है आपसे, ये होता है क्रीपर। तो ये सारे आपके देखिए वायरसेस के नाम हो गए, हम इनको डेली रिवाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए एंटीवायरस क्या होते हैं, तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न जो वायरस जो हमने इससे पहले पढ़ा था वायरस, वो क्या करते हैं आपके कंप्यूटर में वायरस मतलब उसको खतरा पैदा करते हैं आपके कंप्यूटर में, तो उसके खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का जो है प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो देखिए एंटीवायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है, और वायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है ये जो वायरस जो कि मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, ये वायरस के प्रकार होते हैं, इनसे उनकी पहचान करता है, उन्हें नष्ट करता है। ठीक है, तो कुछ हमने एंटीवायरस ले रखे हैं, तो हम डिटेल कर लेते हैं, अभी 5 लिए हैं, फिर और ऐड करेंगे। देखिए पहला है एवायरा, इसके बाद है लावासॉफ्ट, इसके बाद है ईडी अवेयर करके, ठीक है, इसके बाद देखिए ई स्कैन करके है एंटीवायरस, एक है मालवेयर वाइट्स, इसको इंपॉर्टेंट कर लिएगा, मालवेयर वाइट्स पूछा जाता है। ठीक है, तो जो है इसके बाद देखिए हम ओएसआई मॉडल, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ से क्वेश्चन को डेफिनेटली पूछ ही लेता है, तो ओएसआई मॉडल देखिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें कुल जो लेयर होती हैं वो 7 होती हैं, पहली जो लेयर है वो है फिजिकल लेयर। चलिए मैं आपको एक इसका इमेज दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको इसका आइडिया लग जाएगा किस तरीके से जो है ये होता है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो है ओएसआई लेयर का एक पिक्चर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 जाती ऊपर जाते जाते सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन होती है, वो सबसे टॉप पर रहती है। ठीक है, सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि बिट स्ट्रीम, यानी कि जो बिट धारा मतलब बिट जो स्ट्रीम है ना, बिट की स्ट्रीम, बिट प्रवाहित होती है, वो फिजिकल मीडियम यानी कि जो भी आपके हार्डवेयर वगैरह वो होता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ बिट्स। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसके बाद ऊपर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लिंक लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर आता है एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर। ठीक है, तो देखिए हम ये 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं फिजिकल लेयर, तो यह एक ऐसी हार्डवेयर लेयर है जो उपकरणों और संप्रेषण के बीच कनेक्शन की मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विशेषताओं को बताती है, यानी कि जो आपका हार्डवेयर है
और जो भी आपके प्रोसेस उपकरण हैं उनके बीच क्या करती है, मतलब मैकेनिकल विशेषता उनकी विशेषता बताती है। विशेषकर यह एक उपकरण और फिजिकल माध्यम के बीच संबंध को दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल लेयर। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अपने। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर में जो 0 से 9 तक की होती है इसे क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिक के की कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कंप्यूटर के सबसे जो आपका जो होता है आपका ABCD उसके ऊपर आपको दिख जाएगी 0 से 9 तक की, उन्हें बोलते हैं न्यूमेरिक की। किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस बोला जाता है? इसे आप पॉइंट भी कर सकते हो और ड्रॉ भी, मतलब ठीक है पॉइंट दिखा के, जैसे मैं यहाँ पॉइंट होता है माउस का ये दिखा रहा हूँ और उसे ड्रॉ भी कर सकता हूँ मैं ऐसे ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं माउस। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को उसे क्या कहता है? ड्रैगिंग। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आपने कोई इमेज ली, उसको माउस से दबा के पकड़ लिया, उसको इधर उधर घुमा दें, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ड्रैगिंग। ठीक है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए। किसी किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक भाषाओं में बदला जाता है? जो आप मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो डायरेक्ट मैसेज के फॉर्म में नहीं आता, वो आता है इंक्रिप्शन फॉर्म में। ठीक है, वो सांकेतिक कोड में बदल जाता है, वो जाता है इंक्रिप्शन फॉर्म में व्हाट्सएप आपका लेता है, बट जब आपको आपके जो साथी है उसे मिलता है तो वो डिक्रिप्टेड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको होता है, ठीक है, मैसेज को सांकेतिक भाषा में बदला जाता है इंक्रिप्शन की मदद से, और अगर सांकेतिक भाषा से अगर मैसेज में द्वारा आना तो उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, इसका उल्टा डिक्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो मैंने बताया था अभी आपको, एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर में IC चिप जो है किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के। IC का फुलफॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो JS किल्बी और रॉबर्ट नोई करके थे दो वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी खोज की थी IC की। कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? तो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। ठीक है, अस्थायी मेमोरी होती है रैम। और रोम किस तरह की होती है? तो नॉन वोलेटाइल, क्योंकि रोम जो होती है वो स्थायी होती है। ठीक है, स्थायी, ठीक है, स्थायी मेमोरी होती है रोम, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। वो ज़्यादातर आपको इंग्लिश शब्द ही पूछता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स, जहाँ पर आपके जो ईमेल जो स्टोर होते हैं जैसे आपके मोबाइल में होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में नियमों का सेट, कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर में एक नियमों का सेट होता है जो कि हमें यह बताता है कि एक जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात कर सकता है। ठीक है, तो उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये क्या है? सारे हार्डवेयर हो जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है? तो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको मालूम होगा जब भी आपने देखा वो फायरवॉल करके एक कंप्यूटर में आता है तो उसका उद्देश्य होता है कि अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना, यानी कि कोई भी आपका डाटा ना चुरा पाए या फिर कोई भी गलत व्यक्ति आपके कंप्यूटर का प्रयोग ना कर पाए, उसकी रक्षा करना उपयोग होता है फायरवॉल का। ठीक है, ठीक है, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? यूज़र फ्रेंडली, यानी कि आप कोई भी निर्देश ईजिली समझ पा रहे हैं तो दैट इज यूज़र फ्रेंडली, आप उससे आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? यानी कि देखिए, जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उस समय उसमें कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई थी जिसे आप मिटा नहीं सकते, तो उसे बोलते हैं रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली बोलते हैं, केवल आप उसे पढ़ सकते हैं, मिटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रीड ओनली। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर सबको मालूम है सबसे तेज सबसे महंगा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सबसे बड़ा भी यही होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, माउस ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किस प्रकार के डिवाइस हो जाएंगे? तो एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस से भी आप पॉइंट करते हो, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये माउस है। ट्रैकबॉल आपको मालूम होगा, मतलब जो माउस के ऊपर लगा रहता है उसको ट्रैकबॉल बोलते हैं। और जॉयस्टिक जिसे जो कि आपको वीडियो गेम्स खेलने में प्रयोग होता है, इससे पूछा जाता है कि निम्न में से किसका प्रयोग वीडियो गेम खेलने में करते हैं? तो जॉयस्टिक हो जाएगा उसका। ठीक है, जॉयस्टिक। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डीबगिंग कहा जाता है। जैसे कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, उसमें अगर आपको गलतियां फाइंड करना है तो उस प्रकार को बोलते हैं डीबगिंग बोलते हैं उसको, यानी कि गलतियों को हटाना। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो CPU कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो होते हैं हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर किस चीज़ से बना, मतलब लोहे वगैरह से बना रहता है ना ज़्यादातर, तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए,
ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट। जैसे मान लीजिए आपने किसी को ईमेल भेजा और आप उसमें किसी को वीडियो या फिर कोई फोटो भेजने जाते हैं, तो वो आप अटैचमेंट के थ्रू भेजते हैं। तो यही पूछा गया कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट। कंप्यूटर में HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाएगा HDMI का फुल फॉर्म। ठीक है, HDMI केबल भी आती है जो कि आपके कंप्यूटर में भी लगती है, और आपका जो सेटअप बॉक्स आता है उसमें भी HDMI केबल आपको देखने को मिलती है LED वगैरह में। ठीक है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो जिसका नाम हो गया परम। परम, और इसे किसने बनाया था? तो देखिए बगल में दिया हुआ है, सीडेक पुणे के द्वारा इसे बनाया गया था। पुणे में सीडेक का मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल, मैंने रोम जो होती है वो मैंने बताया था आपको, स्थायी मेमोरी होती है। इसमें अगर आपकी लाइट भी चली जाए तब भी आपका डाटा जो है बरकरार रहता है। जैसे कि आप फ़ोन में अगर गेम खेल रहे हैं तो अगर आपका फ़ोन बंद हो गया तो वो रैम में होता है, वो फिर से चालू होता है। ठीक है, अगर वहीं आपका मतलब कोई भी ऐसे कोई भी जो भी फ़ोन की बड़ एप्लीकेशन जो है वो आपकी डिलीट नहीं होती क्योंकि वो रोम में होती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं? तो प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने बताया था एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क अगर आपको बात करना है तो उसके लिए हमें एक नियमों की सूची दी जाती है जिसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप कोई भी साइट खोलते हैं इंटरनेट या वेबसाइट, तो उसका जो फर्स्ट पेज जो खुलता है उसे होम पेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोसेसर कहते हैं। यानी कि जो प्रोसेसर है, या आप देखिए कंप्यूटर में आप कोई भी डाटा डालते हैं, आपने कोई भी डाटा लिया, जैसे कि आपने आपका जो भी आंकड़ा था, मैं आपकी मतलब सैलरी बनी, आपने पूरा डाटा लिया और कंप्यूटर में डाल दिया, तो उससे एक इन्फॉर्मेशन बना देगा कौन? प्रोसेसर जो है आपका उसे कैलकुलेटर करके उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसर। कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई जो चिप होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रोम बोलते हैं, क्योंकि रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है, इसे केवल पढ़ सकते हैं मिटा नहीं सकते, और यही प्रोग्राम की गई चिप होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, हमारे मोबाइल के अंदर भी रोम होती है और रैम अलग से लगाई जाती है, मतलब रैम होती तो इंटरनल है बट उस वो कैसी होती है? अस्थायी होती है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा या प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है। ठीक है, जब आप जैसे मैंने बताया ना आपको, आप कोई गेम खेल रहे हो तो वो जब आप उस चीज़ पर पर्टिकुलर काम कर रहे हो या कोई आप वर्ड पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो प्रोसेसर जब उन्हें प्रोसेस कर रहा होता है, जब आप उस पर काम कर रहे हो, तो वो आपका जो स्टोर होता है वो मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी होता है जो कि आपका रैम या रोम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड हो जाता है कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, तो फ्रेंड्स आपको प्रश्न का लेवल देख के लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन वाकई में पूछे जाते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर दिया हो तो आपको भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो बहुत ही चुन चुन कर आप आपके लिए जो है प्रश्न लेकर आए हैं। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। ठीक है, जब क्योंकि कभी कभी क्या यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ठीक है, साथ ही हम और भी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम 31वां क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर में मॉडेम जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है मॉडेम। और मॉडेम का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, मैंने नीचे लिख रखा है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है देखिए, MO का मतलब मॉड्यूलेटर, DEM का डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसमें किसका प्रयोग होता है? टेलीफोन लाइन का। एक तरह का कंटेनर, आप ऐसा बॉक्स बोल सकते हैं उसे, जिसमें फाइल्स को स्टोर करके रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फोल्डर कहते हैं। कंप्यूटर में हम फोल्डर के अंदर ही तो रखते हैं अपनी फाइल, या मोबाइल हो या, तो उसमें भी हम फोल्डर बना लेते हैं, तो उसके अंदर हम अपनी फाइल को रखते हैं। ठीक है, उसे कंटेनर भी बोला जाता है। विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? तो टोपोलॉजी। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स टोपोलॉजी की बात हुई, तो हम जैसे ही हमारा OSI कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको टोपोलॉजी के बारे में बता देंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट के अंदर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना, यानी कि तारों और उपकरण, यानी कि तार होंगे उसमें बहुत सारे। ठीक है, मैं चित्र थोड़ा बना के दिखाता हूँ, जैसे तार हैं। ठीक है, ये तार हैं, यहाँ से कोई उपकरण जुड़ा है, इस तरीके से जुड़ा है, तो इसको ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये 3-4 प्रकार की होती है, मैं बता दूंगा। मॉडेम का पूर्ण रूप बता दिया, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोजाइक हो जाएगा कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ठीक है, ध्यान रखना ग्राफिकल वेब ब्राउजर पूछा गया।
किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप जो है कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को ही हम बूटिंग बोलते हैं। अगर कंप्यूटर आपका चालू नहीं हो रहा है, दैट इज़ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो चुका है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाना पड़ेगा। अगर आपका बूट हो रहा है तो यानी कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है, तो नष्ट की हुई फाइल को स्टोर करना। आपको मालूम होगा कंप्यूटर में अगर आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में आपको आप उसको ढूंढ सकते हैं या उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं वहाँ से। कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हो जाएगा आपका HTTP का पूर्ण रूप हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, और मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि HTTP जो होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब WWW का क्या होता है, बैकबोन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ST जो ML होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज होता है ये होता है HTML का, ठीक है। यानी कि हमारी जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती है ना, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो यही यूज़ की जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए विंडोज़ XP, यानी कि मान के चलिए आपके पास एक कंप्यूटर है उसमें विंडोज़ XP डला हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि हम उसे विंडोज़ 7 में अपग्रेड कर लें, है ना, विंडोज़ 7 में, तो उसे बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं अपग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है, अपग्रेड करना चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद देखिए, हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, तो मॉडम। मॉडम जो होता है हमारा, यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो कि टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है, ये क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल हमारे जो कंप्यूटर भेजता है उसे एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है, तो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है ना वो यूरी URL में ही होता है। URL देखिए, अगर आप किसी भी वीडियो का URL कॉपी कर लेते हैं, तो मतलब आपने उसका एड्रेस कॉपी कर लिया, आप इसे कहीं पर भी पेस्ट करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर को शट डाउन करना यानी कि बंद करने के लिए किस कीवर्ड पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, तो अल्ट प्लस F4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक शॉर्टकट की और मिल गई आपको, अल्ट प्लस F4, ठीक है। इसके बाद ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे कहते हैं मेलवेयर कहते हैं, ठीक है। मेलवेयर मेलवेयर एक प्रकार का वायरस ही होता है, वायरस का टाइप होता है, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहते हैं, मेलवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटी मतलब मिनिमम जो एक डाटा की आप कंप्यूटर में किस मिनिमम रेंज में डाटे को भेज सकते हैं उसको हम बोलते हैं बिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। अब पूछा गया नेक्स्ट, भारत में सिलिकॉन वैली, ठीक है, जो IC होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, सिलिकॉन के बने होते हैं, इसकी जो वैली है शहर है किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर या कैश मेमोरी जो होती है ये सबसे तेज होती है। आपको रजिस्टर मिले रजिस्टर लगाइएगा, कैश मिले कैश लगाइएगा, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो सिद्धार्थ। ये नॉर्मल कंप्यूटर था, अगर आपसे पूछे सुपर कंप्यूटर तो परम हो जाएगा, अगर नॉर्मल कंप्यूटर पूछे तो हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है। दुनिया का पहला सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा था, यानी कि पूरे वर्ल्ड में गणना करने के लिए किस डिवाइस को बनाया गया था, तो वो था अबेकस। फ्रेंड्स आपने देखा होगा बचपन में आपको एक स्लेट दी जाती थी इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से था, मतलब स्प्रिंग होती थी उसमें गोल गोल करके कुछ बॉल्स लगी रहती थी, आप उनको ऊपर नीचे करके काउंटिंग करते थे, ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के मॉनिटर के डिस्प्ले को कैसे नापा जाता, तो डायगोनली तरीके से नापा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपकी जो कोई भी कंप्यूटर है इसकी जो स्क्रीन नापते हैं वो डायगोनली यानी कि ऐसे में नापते हैं, विकर्ण में, ठीक है, इस तरीके से नापते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता है कल, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।